सर कभी जिनका सामना हुआ मेरे लिए मत कहिएगा। नहीं नहीं आप तो या ऐसे मैंने कहा कहना दें आपसे जो हो रहा है। नहीं कनाडा में तो नहीं हुआ। अच्छा वहाँ पर भी जिन नहीं है। हाँ वहाँ पर भी जिन नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पर जब मैं आता हूँ तो लोगों को वही तरगीब देता हूँ कि आप भाई इमिग्रेशन के मामला डील करना चाहते हैं तो आप जिनों से डील ना करें, क्योंकि वो वाकई उनको हम घोस्ट एजेंट कहते हैं। घोस्ट यानी वो क्या करते हैं कि आपके पैसे लिए वो घोस्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो उससे मुवासलत रखती हुई वाली बात ये है कि घोस्ट एजेंट से आप ना मिलें और वो आपके पैसे लेके जिन ही बन जाएंगे फिर, तो वो बेहतर है। बाकी जिन सारे पाकिस्तान में, इनको वीजा वीजा नहीं मिल रहा। हाँ वो देखे ना, वो जिन पाकिस्तान में और लोगों को ट्रांसपोर्ट टेलीपोर्ट कर रहे हैं कनाडा। और बेहतर है कि आप अपनी हार्ड अर्न मनी जो है, पैसे हैं, उनको बचा करके चलाएं, खुद से रिसर्च करके अप्लाई करें। भाई ऑनलाइन मौजूद है सारी इन्फॉर्मेशन। ट्रेवल एजेंट जो और इनसे थोड़ा सा बच के ही रहें, क्योंकि वो सही फिल भी नहीं करते, फिल भी नहीं करते, अटक जा रहे हैं। और अगर आपको मदद की जरूरत है तो फिर आप कोई मुनासिब ऑथराइज एजेंट देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से ऑथराइज हो। आप यहाँ पर रब्ता करते हैं, फिर वो आपको सुहाने ख्वाब दिखाते हैं। ख्वाब की भी बात हुई, ख्वाब दिखाते हैं और ख्वाब देखना भी चाहते हैं लोग। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, वो सिलसिले जो है वो जा करके आपके बैंक अकाउंट पे खत्म होते हैं, तो खाली हो जाता है, तो फिर वो भी ख्वाब ही लगता है। सही। तो ऐसा ना हो और आप ख्वाब खाक में मिल जाते हैं, खाक में मिल जाते हैं, चिकनाचूर हो जाते हैं, शैटर्ड ड्रीम्स बाय घोस्ट एजेंट्स। सही सही। फैज़ खान साहब।